दस विपत्ति। परमेश्वर मूसे और हारून चेतावन दित कि फिरौन हटीला हो जाला। जब से फिरौन अखटे हुए तो तेने बोलो इजराइली रा परमेश्वर ए रो बोलो मेरे माछ डेवन दे। और फिरौने तेनरो ना सुनो और इजराइली डेवण ख आजाद करने रिप जाए तेनिया से ज्यादा मेहनत करने के मजबूर किए। फिरौन ते न माछ डेवण देने दो लगातार मना कर दारोआ। तब परमेश्वर मिस्र गए दस खतरनाक विपत्ति भेजी। तेन विपत्ति द्वारा परमेश्वर फिरौन दो दिखे कि से फिरौन और मिस्र रे देवते दो ज्यादा शक्तिशाली हो। परमेश्वर नील नोट लहू दो बदलो पर फिरौन हे भी इजराइलियो देवण ना दीते। परमेश्वर सारे मिस्र दे मिंड के डेवे। फिरौन मिंड के टाणे के मुसे दो विनत की पर बाद मिंड के रे मर जाने वासिये फिरौन अपना मन कठोर किया और इजराइली मिस्र दो देवण ना दीते। तबे परमेश्वर कांटने आई माखी रे विपत्त डेव तई वासिये तेनिये डांगर विपत्त डेव। फिरौन मूसा और हारून बेदे और तेन दो बोलो कि अगर से विपत्त रोको तो इजराइली मिस्र छोड़े डेव सको। जबे मूसे प्रार्थना की तो परमेश्वर मिस्र गए डांग पूरे टापे पर फिरौन अपना मन कठोर किया और से आजाद हो देवण ना दीते। तई दो गाँव परमेश्वर मिस्र रे बाद पालतू जानवर बीमार हो मरने दीते और फिरौन रा मन कठोर हो रहा था और तेनिये इजराइली डेवण ना दीते। तबे परमेश्वर मूसे दो फिरौन सामने हावे दो भस्मा फेंकने के बोलो। जब तेनिये ए रोकियो तो मिस्र रे शरीर गे चैताए फोड़े निके पर इजराइली के कुछ भी ना हो। परमेश्वर फिरौन रा मन कठोर किया और फिरौन इजराइली आजाद हो देवण ना दीते। तई बासिये परमेश्वर शरू दीते और मिस्र री फसल खत्म की और जू कुएं बैंडो डेव से पोरो जांगो। फिरौन मूसा और हारून बेदे और तेना दा बोलो मुआ पाप किया हो तुम्हें डेव सको। तबे मूसे प्रार्थना की और आसमान दो शरू आउने रुक गए पर फिरौन दोबारा दो पाप किया और अपना मन कठोर किया तेनिये इजराइली आजाद हो देवण ना दीते। तबे परमेश्वर मिस्र दा थाड़े रा दल आन दिता तेने थाड़े सारी फसल खा पे जून जी शरू नाश ना की थी। तबे परमेश्वर ने रोकियो जू तीन देश ताई बनो रो से इतनो गणो थियो कि मिस्र माच अपने घरों तो ना निक सके पर जे ते इजराइली माच रो थे ते तो पैसो थियो। एजी नौ विपत्ति बासिये भी फिरौन इजराइली आजाद हो देवने दो मना कियो पर फिरौने ना सुनो थियो। तबे परमेश्वर एक लास्ट विपत्ति देवने रे योजना बनाओ से फिरौन रा मन बदल सको। निर्गमन अध्याय 5 10-1 बाइबल कहानी।